Hello friends, welcome back to my mama's channel. So today we will show you a cupcake recipe that I am making. So let's get started. So friend, this is a Oreo biscuit. ये ओरियो बिस्किट का क्रश हम लोगों ने किया है मिक्सर में. ओरियो बिस्किट का क्रश किया है. ये ओरियो बिस्किट का क्रश है. और जो है आप जो है किसी भी बिस्किट का भी कोई भी बिस्किट को बना सकते हैं. और हम लोगों ने इसमें दो पैकेट यूज किए हैं. आप जो है इससे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं. रूम टेम्परेचर पे फ्रेंड्स, ये हम लोग का ओरियो क्रश और वहाँ हम लोग के 2 कप्स. तो ये हम लोगों ने छोटे कप इसलिए लिए हैं ताकि ये ऊपर तक आ जाए. कल हम लोगों ने बनाया था लेकिन जो है वो ऊपर तक नहीं आया था, इसलिए जो है हम लोगों ने उसको बड़ा कप था. कप बहुत छोटा लग रहा था. थोड़ा थोड़ा दूध डाल के थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिलाना है. और जो है बेकिंग पाउडर भी डालना है. तो मैं बेकिंग पाउडर लेके आती हूँ, तब तक आप जो है थोड़ी देर रुकिए. और इसमें जो है 1/2 कप मिल्क पड़ा है. और जो है जिसमें आप बना रहे हो मींस उसी में आप लोग ले लो. इतनी थिकनेस होनी चाहिए. और जो है बेकिंग पाउडर या फिर इनो आप कुछ भी ले सकते हो इसको इसके फूलने के लिए. बेकिंग पाउडर हम लोग के घर पे रखा हुआ था इसलिए हम लोग ने यूज कर लिया, नहीं तो लॉकडाउन में कोई भी बन नहीं जाता है. तो इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मिक्स तो अब ये आनिया मिक्स कर रही है. इन्होंने बोला मैं बनाऊंगी. और कल भी हम लोगों ने बनाया था, शूट भी किया था, लेकिन वो बड़े कप में था तो वो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, नीचे ही फूल के रह गया. और एक ही पैकेट था. आज ये 2 पैकेट लेके आई है. तो फिर से आज मम्मा शूट करो आज मेरा. और जो है थोड़ा सा वो कड़ा भी हो गया था क्योंकि जो है मम्मी ने सोचा था कि 2 मिनट्स में केक नहीं बनता है. हाँ, मैंने इसको थोड़ी देर और माइक्रोवेव में रख दिया तो इससे वो थोड़ा सा कड़ा हो गया था. और टेस्ट बहुत अच्छा था लेकिन उसका. आप कुकर में या फिर माइक्रोवेव में या फिर जो है ओवन में भी रख सकते हो. हाँ, तो 1 टी स्पून आपको रिफाइंड ऑयल डालना है जो हम लोग भूल गए थे. और आप जो है बटर भी डाल सकते हो. बटर कुछ भी. इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है तो आपको तो जो है घर में रिफाइंड ऑयल ही मिलेगा. तो आप जो है रिफाइंड ऑयल ही इसमें अवेलेबल कर सकते हो. और इससे जो है केक में मॉइस्चर हो जाता है और जो है सॉफ्ट भी केक होता है. और लेकिन जो हम लोग ने कल जो है बहुत देर रख दिया था तो जो है वो थोड़ा सा कड़ा हो गया था लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा बनता है ये. अब मैं इसे कप में ट्रांसफर कर लेती हूँ. तो चलिए इसको हम लोग कप में ट्रांसफर कर लेते हैं. पहले से आप जो है माइक्रोवेव को थोड़ा सा हीट करने के लिए रख दीजिए. ये देखो हम लोग ने पूरा नीम भरा है ताकि जो है ये ऊपर तक फूल जाता है. मींस आउट ऑफ अगर आप फुल भर दोगे तो ये जो कपकेक फूलता है आपका कपकेक फूल के गिर जाएगा. तो जब तक माइक्रोवेव हीट हो रहा है तब तक जो है मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ. सो फ्रेंड्स, ये प्री हीट हो चुका है और अब इसको हम लोग रख रहे हैं. ये जो है मामा ने रख दिया है. अब इसको हम लोग बंद करके ऑन कर देंगे. 2 मिनट का टाइम लगा के केक. जो है यहाँ पर है वॉलपेपर जो मम्मी ने अमेजोन से मंगवाया था. इसका रिव्यू जो मम्मी ने दिया हुआ है, मम्मी जो इसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगी. ये जो है बहुत अच्छा लग रहा है. एक और ऐसा ही नहीं, एक पिकॉक और ऐसा हम लोग के रूम में लगा हुआ है. वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. वो उसका भी रिव्यू मम्मा ने दिया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो. तो चलिए हम लोग देखते हैं उस स्टिकर को वॉलपेपर. और ये जो ऊपर लगा हुआ है ये सारे अलग से लगाए हैं.
ये देखिए, ये पूरा स्टिकर, ये देखिए ऊपर जो हम लोगों ने ये लगाए हैं, ये जो हम लोगों ने अलग से खरीदे थे। नहीं अब क्या हुआ, ये देखो ये पूरा जो है वॉलपेपर है, इसका भी रिव्यू जो है मम्मा ने दिया हुआ है, आप जो देख सकते हो। और जब तक वहां पे हम लोग का केक हो रहा है तब तक हम लोग भागो। ओके तो तुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छा फूल रहा है, देखिए मुझे तो बहुत अच्छा फूलता हुआ दिख रहा है ये। ओ माय गॉड ये हो गया है, तो ये देखो ये हो चुका है फ्रेंड्स, और ये जो बहुत अच्छा फूला है मम्मा, बहुत अच्छा फूला है ये। सो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा फूल के तैयार है, इसको भी निकालना है। और अभी जस्ट हम लोग एक सेकंड अभी हम कर रहे हैं बहुत, तो ये जो है हॉट है, इस ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक जो है। सो फ्रेंड जब आप कुकर या फिर माइक्रोवेव से निकालते हो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दो, क्योंकि ये जो बहुत गर्म हो गया है। और जो है इसको हम लोगों ने टेस्ट भी किया है, हाँ तो ये जो बहुत अच्छा फूल के आ गया है। अगर जो है इसमें कुछ भी ना लगे, बस बस, 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 बस। ये देखिए बिल्कुल साफ अपना फोक निकल के आ गया है। और ये देखिए केक भी बहुत अच्छा फूल, फोक या टूथपिक या नाइफ किसी हाँ। से भी, और ये बहुत अच्छा फूल चुका है। ओनली टू मिनट्स। और ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार है। कल वाला थोड़ा सा कड़ा हो गया था यार, कल वाले को थोड़ी देर और रख दिया था इसलिए कड़ा हो गया था। कल वाला ये केक जो है सिर्फ 2 मिनट में आपका रेडी हो, शेक मत करो कैमरा, शेक बहुत हो रहा है। ये वाला जो है आपका 2 मिनट्स में जो है बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखो कितना अच्छा फूल पे चुका है। अगर आप थोड़ा सा और इसमें डाल दो बेटर आप, तो जो ये बहुत ऊपर तक आ सकेगा। लेकिन हम लोगों ने कम इसलिए डाला कि पता नहीं कितना इसमें ऊपर तक और फूले, इसलिए कम डाला था। और जो है अगर आप कुकर में भी बनाते हो जो है थोड़ी देर उसको ठंडा होने के लिए रख दो तभी आप निकालो, नहीं तो फिर जो है ये बहुत गर्म होता है। और जो है जब आप निकालो, और यहाँ पे हम लोग का दूसरा कप भी रेडी हो गया है, थोड़ी देर हम लोग ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे, क्योंकि जो है इसमें हम लोग को पता नहीं था कितनी देर होगा, थोड़ी देर उसको ठंडा होने दो। हाँ फिर निकाल, कैमरा ऑफ करो। सो हम लोग का सेकंड कप, और ये भी बहुत अच्छे से फूल के आया है। एक साथ भी रख देते तो बन जाते, लेकिन क्योंकि कल थोड़ा सा खराब हो गया था इसलिए डर था। और ये जो एकदम बराबर में फूल के आए हैं, ओ वाओ कितना अच्छा लग रहा है ये। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको ये वाला भी चेक कर लेते हैं, या एकदम साफ बिल्कुल फोक निकला है, इसमें कहीं भी नहीं चिपका है, यानी कि ये भी बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। तो आज का चैनल, आज का जो मतलब वीडियो था वो पूरा आन्या ने ही शूट किया, मैं बिल्कुल भी उसमें नहीं आई, क्योंकि इसने मुझे मना किया था कि मैं ही पूरा एक कपकेक बनाऊंगी। मैंने हेल्प करी क्योंकि अभी बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है कि अकेले सब करने दे, और अभी रुको थोड़ा सा ठंडा होने दो उसको। तो अब आन्या से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है कि कितनी जल्दी मैं केक खाऊं, और सच में इतना अच्छा बेक हुआ है। कल थोड़ी सी हम लोगों से गलती नहीं, बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा और हो जाए, और उतनी देर में ही वो कड़क हो गया था बिल्कुल। और ये वाला बहुत सॉफ्ट है, सिर्फ 2 मिनट का मैंने इस पे टाइमर लगाया था बस। बेटू अभी नहीं करो, अभी नहीं करो, तो हाँ सॉफ्ट तो हो गई। तो कुछ बोलना है या फिर वीडियो का एंड भी आप ही करेंगी आज तो? क्योंकि स्टार्टिंग भी इन्होंने ही करी और एंड भी यही करेंगी। जो आप चाहो तो इसको निकाल के भी खा सकते हो, लेकिन मैं जो कप में से ही खा रही हूँ। कल हम लोगों को निकालना पड़ा था, क्योंकि जो कल बहुत बड़ा कप था तो कल हम लोगों को निकालना पड़ा था। वो भी इसका बहुत अच्छा शेप आया था, जैसे नॉर्मल कप केक होता है वैसे ही इसका भी शेप आया था। आप चाहो तो निकाल के भी खा सकते हो। निकालेंगे इसलिए नहीं, क्योंकि फिर अगर इससे निकाले तो फिर कहीं हल्का सा टूट टूट जाए, तो इसी में ये खा लेंगी। और ये बहुत सॉफ्ट है इसलिए ये टूट भी सकता है। तो चलो वीडियो का एंड करो, क्योंकि मैं तो आज बिल्कुल भी वीडियो में नहीं आई हूँ, यही वीडियो का एंड भी करेंगी आज। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हम लोग का कपकेक अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय।